हेलो गाइज, आप सब लोग का स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है और एंजल के पापा तो ठीक है। एंजल के पापा को भी थोड़ा सा ठीक जैसा हो रहा है। और आज देखिए इधर धूप बहुत अच्छा से निकला है। तो एंजल के पापा पीछे तरफ गली को थोड़ा साफ कर दे रहे हैं, कचरा सब हो गया है ना। और मेरा ये वाला आँख बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कल से पेन भी हो रहा है प्लस बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। मतलब ये आँख का जो अंदर वो गोल वाइट वाला इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, मतलब ऐसे ऐसे पलक को झपकने भी मन नहीं कर रहा है। सर्दी तो सर्दी है ही, दवा खा रहे कुछ नहीं हो रहा है। मेन क्या हो रहा है ना, धूप अगर रहता ना तो मेरा सर्दी जल्दी ठीक हो जाता है। और दो दिन कंटिन्यू बारिश, कल भी दिन भर तक बारिश किया, तो जो वेदर इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है ना, जिसके चलते मतलब सर्दी यही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा भी फिर पानी वाला काम सब करते हैं तो फिर आप लोगों को ऐसे नहीं पता चल रहा। ऐसे में देखिए ये आँख थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ये वाला आँख का शेप देखिए अलग लग रहा है और ये वाला आँख का शेप थोड़ा सा अलग लग रहा है। देखिए पूरा लग गया एंजल को, एकदम अजीब सा, मतलब देखने में ही लग रहा है अजीब सा। यहाँ पर तो सुबह तो एकदम हम आँख ही, रात को भी एकदम हालत खराब हो गया था। सखी नहीं रहे थे आँख को खोलने, ये बोलेंगे सोएंगे थोड़ा सा तो आँख बंद करें ना, इतना दर्द कि मतलब नींद ही नहीं आ रहा था। कुछ भी मतलब मन ही नहीं कर रहा है ना, सोने का मन कर रहा। सुबह को तो कान ये सब ये पूरा मतलब यहाँ एक हाफ इधर पोर्शन बोलिए पूरा मतलब दर्द कर रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आँख का प्रॉब्लम है कि कान का प्रॉब्लम है कि जबड़ा का प्रॉब्लम है, क्या का प्रॉब्लम है समझ ही नहीं आ रहा है। क्या कि दर्द कहाँ, क्योंकि ये जो मसूड़ा जबड़ा है ना यहाँ भी पूरा पेन हो रहा है, कान के अंदर भी हो रहा है। तो मतलब जहाँ तक हमको लग रहा है ठंडा से ही हमको हो रहा है, लेकिन मतलब एक्चुअल में कहाँ मेन दर्द हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है ना, एकदम समझ में नहीं आ रहा, एकदम हालत खराब। तो हम लोग वैसे ही सुबह से धीरे धीरे करके काम करते करते 10 बजने जा रहा है। तो वैसे तो हम लोग का सारा काम धीरे धीरे हो ही गया है, हम लोग ब्रेकफास्ट भी कर लिए, ब्लॉग शुरू ही नहीं कर पा रहे थे, ब्रेकफास्ट कर लिए ना। हम लोग पड़ू पड़ू कर रहे ना, चिकन खाए थे। कब चिकन खाई थी? अभी। अच्छा कल ना, कल इसको सोयाबीन को चिकन बोल के कल खिचड़ी बनाए थे, आप लोग देखे थे। तो खिचड़ी में ना हम सोयाबीन डाल दिए थे, सोयाबीन तो हेल्दी होता। हाँ तो फिर ना जो ओरिजिनल चिकन है ना उसको ये नहीं खा पाती है, क्योंकि आजकल का जो बॉयलर है वो इतना टाइट रहता है ना, खा देते हैं। हाँ इतना टाइट होता है कि वो चबाती चबाती निगलने नहीं सकती है, इसीलिए हम उसको बोले ना कि और चिकन खिलाएंगे तो चिकन का नाम से सोयाबीन सब वो बहुत अच्छा से खाए, इसीलिए उसको याद है। नहीं हिलाओ, हम वाटर बैग में पानी गर्म कर दिए थे एंजल के पापा कि थोड़ा सा सेकने से, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब कोई भी चीज़ अच्छा नहीं, गरम चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था। बाद में तेल थोड़ा लगा दिए तब जा कर के हमको अच्छा लगा। क्यों हिला रहे हैं मम्मा? देखिए तो हिल रहा है, इधर इधर हिल रहा है। और वो मेरा वाटर ये बैग को ले ली है और अब उसमें जंप कर रही है। यहाँ पर गाना बजा दिया था उसका पापा, तो एंजल पूरा डांस कर रही थी, डांस कर कर। तो कॉपीराइट के चलते हम तो वॉइस ओवर करना पड़ा, नहीं तो गाना बहुत अच्छा था और एंजल डांस कर रही थी तो बहुत मज़ा आ रहा था। और उसके बाद ना हमको अचानक से आई जो दर्द दे रहा था ना आँख, तो उसके चलते अपने अपने आंसू गिर रहा था। तो एंजल को लग रहा था ना कि हम रो रहे, तो हम झूठ मूठ के वहाँ पर रोने लगे। तो पूरा हमको एकदम दुलार कर रही है, हमको एकदम प्यार कर रही है, मत रो मम्मी मत रो। इस जगह भी गाना बज रहा था, FM बजा दिया था उसका पापा, इसीलिए हमको
म्यूट करना पड़ा और वॉइस ओवर देना पड़ा। यहाँ देखिए वो हैंकी लेके आई और पूरा नाक पोछ दे रही है, खुद का नाक पोछने आता है कि नहीं मम्मी का, उसका चश्मा खोलो मम्मी चश्मा बोल करके बोल रहे, फिर चश्मा खोल, देखिए वो आंसू पोछ दे रही है। मतलब अभी से ही वो मतलब उस चीज़ को जानती है कि केयर करना, और अपने से इतना आंसू निकल रहा है, इतना आंसू निकल रहा है कि मतलब लगेगा कि रो रहे हैं, आँख सब देख रहे हैं मेरा अजीब सा हो गया। चुप मम्मी चुप, देख रहे कितना प्यार कर रही है, इतना चुप करवा रही है हमको कि क्या बोले। फ्रेंड ये सब कपड़ा जो है ना परसों का धोया हुआ था, तो आज धूप निकला है बोल करके हम चेयर में तभी दे दिए थे, तो इतना सारा कपड़ा सूख गया। और इसका देखिए बिना मतलब का रोना हो रहा है, समझे में नहीं आ रहा उसको प्रॉब्लम क्या, कभी उतरने के लिए रोना कभी चढ़ने के लिए रोना। वो बेड में थी तो वहाँ से उतरने के लिए रो रही थी, अंदर वाला बेड में थी तो उतरने के लिए रो रही थी, अब बाहर वाला बेड में चढ़ने के लिए रो रही है, समझ ही में नहीं आता। और बाकी जो चुप देखिए ऊपर चढ़ेंगे, चढ़िए चढ़ने नहीं आता है, नहीं आता है चढ़िए। फिर अभी यहाँ से उतरने के लिए रोना। एंजल को नहला दिए ना, एंजल एंजल यहाँ नहा लिए, पूरा जल जल गया, जल गया भींग गया भींग गया। हाँ देखिए एंजल का नहाने के बाद का ड्रेस, टमाटर बन गया वो टमाटर बन गए, पता नहीं उसको क्या समझ में आता। तो सोच रहे ना हम भी थोड़ा नहा ले तो शायद फ्रेश लगेगा, क्योंकि तबीयत खराब रहने से थोड़ा नहाने से थोड़ा रिलैक्स लगता है, शायद नींद आएगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए सोच रहे हम भी थोड़ा सा गर्म पानी किए हैं, ऐसा ठंडा पानी से नहीं नहाएंगे, थोड़ा सा गर्म पानी किए हैं और उसी गर्म पानी से हल्का गर्म से एंजल को भी नहला दिए और हम भी, उसके बाद फिर एंजल के पापा नहाएंगे। अभी एंजल के पापा उसको ड्रेस पहना देंगे, आज बाल उल एंजल का भी धो दिए हैं, बहुत दिन से भी धोई नहीं थी, तो चलिए नहा करके आते हैं। एंजल को देखिए हम कंघी कर रहे थे तो मेरे से बड़ा वाला कंघी ले ली और अपना पापा को कंघी कर दे रही है। बापरे और ना बाल सिखाती है, बापरे 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 देखिए था वाह, अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह। एंजल नहीं रोती है ना नहाने समय, नहीं ठीक है बस बस हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, सूख गया सूख गया सूख गया सूख गया, सूख गया सूख गया, पलटी हो जाएगी तुम देखो बेहोश हो गई ना, चक्कर मार दिया। सो गाइस एंजल का नाना हो गया है, रेडी हो गई है और बस उसका मज़ा आ रहा है खेलने में, तो देखिए वो अकेले खेल रही है, घूमी घूमी। पीकाबू कैसे कहते बेटा, वन एस टी ओ पी, देखिए अकेले खेल रही है, डांस करके दिखाइए तो बेटा, डांस एंड शो, बादल बरसे बिजली, बादल बरसे बिजली, सावन का पानी, उसको मजा आ रहा है खेलने में, नहा धोवा ली है, बस खाना वाना खाएगी और फिर थोड़ा सा रेस्ट करती है अगर मूड किया तो, या नहीं तो जैसे कल वो नहीं सोई थी। क्या चीज़ नहीं सीख रहे हैं बेटा, देखिए एंजल को पापा का शूज़ पहनिए, चल के दिखाओ बेटा, चल के दिखाइए, चल के दिखाइए, देखिए पापा का शूज़ पहन लिए हैं और कहाँ जा रही है मम्मा, तो एंजल बैठ गई है, जूता खेलना हो गया और इधर एंजल के मम्मी का भी नहाना हो गया है, तो कैसा लग रहा है नहाकर कभी, गल भी तो अच्छा लग रहा है लेकिन डर लग रहा है कि फिर शाम को हम धूप देख के नहाने गए पता नहीं धूप ही चल गया आएगा, इतना गलत होता है धूप भी। अच्छा धूप चला गया,
कोई बात नहीं, अब बहुत दिन हो गया बाल भी नहीं धोए, आज धोएंगे कल धोएंगे फिर। अच्छा एंजल धोई है ना, ये बोलना तुमको एंजल धोई है। देखते हैं बाहर थोड़ा रहेंगे, बाल सुखाना जरूरी है नहीं तो फिर और दर्द करेगा। इसे तो मतलब दवा खा लिया तो सर वो जो बह रहा था ना नाक वो बंद हो गया, लेकिन आँख नहीं आराम लग रहा। ठंडा पानी से धो लीजिए, नहीं अच्छा लग रहा। जाइए तब करते हैं, ठीक है अब मेरी बारी है, अब मैं चला नहाने के लिए। एंजल इधर खेल रही है, इसको देते हैं खेलने के लिए, आप खेलते रहिए ठीक है। हाँ ठीक है आप खेलते रहिए, ओके। हम नहीं बनाएंगे, क्यों बेटा पापा? अच्छा बनाएंगे, ठीक है आप डांस कीजिए ना, पापा वीडियो बना रहे आपका। हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं नहीं। हाँ डरवाए तो चिपली चिपली कैसे डरवाते हैं, ऐसे ऐसे डरते हैं। सो गाइस हम लोगों का लंच हो गया है, और इस बीच में आप लोगों को तो लंच वगैरह नहीं दिखाया गया, बट एनीवे मैं नहा करके आया थोड़ा देर ही, उसके बाद फिर नील का नील्स वगैरह से बड़ा हो गया था ना बेटा। ए ब्रेड, आज तो हम लोग ब्रेड नहीं खाया बेटा, आज क्या ब्रेड खाए हम लोग, आज सुबह सुबह चॉकलेट खाए थे ना, आप चॉकलेट खाएंगे। सो गाइस हम लोग लंच कर लिए, एलिफेंट गोदी कर रहे थे, एंजल एलिफेंट गोदी नहीं की थी, कहाँ आपको एलिफेंट लेकर खाइए तो जाइए दिखाइए। सो खाना पीना हम लोगों का हो गया है, आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही है, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा से ख़राब हो गया था रात में, और फिर सुबह भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज संडे भी है तो मुझे लगा कि सारा चीज़ करना चाहिए। और एंजल दिखा रही है एलिफेंट, नहीं बेटा ये आपका दोस्त है, अच्छा ये एलिफेंट है, ये आपका दोस्त नहीं है, अच्छा तो एलिफेंट के ऊपर मैं इसे बैठ जाएंगे, अच्छा टबक टबक। तो मौसम भी थोड़ा सा साफ हुआ है, बारिश आज नहीं हुई है, और देखिए कैसे लग रहा था कि मौसम ख़राब होगा, लेकिन कभी धूप होती है फिर कभी बादल हो जाती है, तो जिसके कारण से अभी थोड़ा अभी तक तो बारिश नहीं हुई है, तो अभी तक हम लोग जो भी कपड़ा सब धोना था वो सारी चीज़ों को धो धा करके, और फिर तो गाइस जितना भी कपड़ा वगैरह सब धोना था वो सारे का धोना हो गया था और सुखा दिए हैं। बस देखते हैं, नहीं बेटे गिर जाएंगे आप, टुकु टुकु नहीं करते हैं, गिर जाएंगे तो आप एलिफेंट के ऊपर में नहीं, एलिफेंट रोएगा, उसको दवा दीजिए, बुबू हो रहा है ना अभी, उसको मेडिसिन चाहिए, दवा खिलाइए, दवा दवा। एंजल अपना एलिफेंट को दवा भी खिलाती है, दवा खिलाइए जल्दी से, मंकी भी बीमार हो रहा है, उसको भी मेडिसिन देना है। हाँ जल्दी से देखिए, डॉगी और मंकी दोनों लेकर के आई है ना, दिखाइए जल्दी से, मेडिसिन दीजिए, मेडिसिन दवा। हाँ ये डॉगी है, और ये कैसे करता है, हाँ डॉगी भाव भाव करता है, ओके छक्कू आ आ मंकी करता है। तो सर हाँ सर सारा मंकी और जो मंकी है और जो डॉगी है वो दोनों सो गया है, और एलिफेंट को भी सुला दिया। और एलिफेंट कैसे करता है बेटा, हाँ करता है ना, ये आपका दोस्त है, ये आपका फ्रेंड है, नहीं आपका फ्रेंड नहीं है, बगनी है। अच्छा बगनी, एलिफेंट क्या आप कौन है, एलिफेंट कौन है आपका, एलिफेंट बगनी, एलिफेंट बगनी है आपका। सो गाइस इसी प्रकार से हम लोगों का दिन बीत जाता है, और तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से। सो गाइस मौसम तो देखिए बड़ा मस्त है, और अभी धूप वाला है, और इधर आइए मैडम बाल सुखाने के लिए, वाह बाल सूख नहीं रहा है इसका, इसको धूप की ज़रूरत है, इसका जितना विटामिन डी था ना सारा ख़त्म हो गया है कि नहीं, इसीलिए नाक बह रहा है। अरे मैडम को देखिए ना, अपना डॉगी उठा के लाई है, डॉगी भी धूप खाएगा, इसको भी सर्दी हो गया, दिखाइए इधर, इधर में दिखाइए, हाँ इधर में रहिएगा, यही धूप में खड़े रहना है ठीक है, धूप में ही खड़े रहना है, हाँ और ये भी धूप खा रही है। तो सारे लोग कपड़ा सब धो दिया, अपना अपना इधर सुखा दिया, देखिए उधर में भी सुखाए, मौसम साफ है, देखिए इधर सूरज कहाँ चला गया, सूरज इधर में है, शायद आपको दिख रहा होगा, तो मौसम तो ठीक है।
और देखते हैं शाम तक में अगर बारिश हो जाती है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आज हल्का धूप है तो इसको अब रहने देते हैं। इसका सर्दी से इसका बुरा हाल है, सर सब आँख सब सब दर्द कर रहे हैं। और हम लोगों का यहाँ पर ना एक छोटा सा नींबू पेड़ उगाया है, आपको दिखाने वाले थे। यहाँ पर देखिएगा दो एक बिज्जा ऐसे लेकर आए थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, ये दोनों को लगाए थे हम लोग। और यहाँ पर एक है जो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर बड़ा हो गया। इसको हम लोग दूसरा वाला गमला में लगाएंगे, उसको बड़ा करेंगे। और एंजल को ये पौधा है ना, तुलसी का पौधा, उसको खाना पसंद है, वो कभी कभी ये खाती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि बच्चों को हम लोगों को तुलसी का पत्ता देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और इसको किस प्रकार से देना चाहिए, कितने लीव्स हम लोगों को खिलाना चाहिए, ये भी जरूर से कमेंट करके हमें बताइएगा। यहाँ पर देखिए छुछुंदर है, देख रहे हैं यहाँ छुछुंदर है। हाँ ये सब एकदम पूरा घर को तबाह करके रखा है, पूरा एकदम घुस जाता है ये वो सामान यहाँ वहाँ गंदा, और पूरा एकदम घर को गंदा करके रख देता है, जहाँ तहाँ पोटी कर। सो गाइस कपड़ा वगैरह सब धोना हो गया था और ये सब देखिए अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये सब सूखने के लिए दिया गया था, जिसको हम लोग कल ही शाम को धोए हुए थे और आज कुछ कपड़ा था, आज ये सारे टब में भरा हुआ है। तो ये सबको भी अभी फोल्ड करना है। ये बेड में एंजल पूरा अनटैडी कर दिया है, सी पड़ा हुआ है इस जगह में, सारा टेडीज वगैरह सबसे खेलती रहती है। और यहाँ पर फ़ोटोज़ है उसको वो देखती रहती है अक्सर, और यहाँ पर सारे लोग हैं फुल फैमिलीज़, और बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं तो उनको ये देखना पसंद आता है, तो यहाँ पर आती है और बैठ जाती है और उससे देखती रहती है। तो हम लोग ऐसे ही गिटार पड़ा हुआ है, ये भी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, उसको भी बनाने देना है और इसको भी प्रेस वगैरह सब करना है, तो ये भी पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा तो फिर हम लोग स्कूल के लिए जा सकेंगे। तो चलिए कुछ कुछ चीज़ों को थोड़ा सा टैडी कर देते हैं। खा रहे दिखाइए, अच्छा आप लीफ खा रहे दिखाइए। हाँ लीफ है। कौन सा लीफ है? तुलसी, तुलसी लीफ है, है। अच्छा तुलसी लीफ है, ठीक है। तो उसको तुलसी लीफ खाना पसंद आता है और उसको हम लोग देते हैं एक या दो लीफ, ऐसा वो खाती है और इंजॉय करती है। तो आज है गाइस इंडिया और पाकिस्तान का मैच, और कितने लोग आप लोग इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना पसंद करते हैं ये भी ज़रूर हमें बताइएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होती है और मज़ा आता है देखने में और अच्छा लगता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और ऐसा नहीं सोचना है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, लेकिन हाँ देखने में मज़ा आता है और कितने लोग आप लोग इंजॉय करते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना। और आज 3 बजे ये मैच शुरू होने वाली है, तो चल रही है एशिया कप, तो मुझे भी बहुत पसंद है तो मैं भी इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए एंजल सब चीज़ को छीट दिए, सबको बॉक्स में डालिए बेटा, बॉक्स में डाल दूँ छोड़ू, अब बॉक्स में डाल दीजिएगा ना। फ्रेंड्स लोगों को पूछा था आज का ब्लॉग कैसे लगा, फ्रेंड्स आप लोग का आज का ब्लॉग कैसे लगा? मम्मी का थोड़ा बुबू बुबू है ना एंजल, आज एंजल शैम्पू की थी तो देखिए उसका बाल कितना अच्छा लगा, बाल नहीं पकड़ना, हम बोल रहे थे काट देंगे बाल, तो नहीं काट देंगे बेटा नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।